नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। मैं हूं गरिमा और इस वक्त मैं हूं हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में, और मेरे साथ हैं लोकप्रिय टीवी सीरियल इमली की एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर खान। स्वागत है इमली आपका ईटीवी भारत में। शुक्रिया बहुत बहुत। 173 एपिसोड विद इन अ ईयर, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा, और मेरे लिए तो ऑफकोर्स ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा। लेकिन यूजुअली टीवी सीरियल्स में क्या होता है कि आप एक ही कैरेक्टर कर करके रोज़ रोज़ बोर हो जाते हैं कि आपको वही स्क्रिप्ट मिल रही है, वही करना पड़ रहा है। बट इमली में ऐसा होता है कि हर एक कैरेक्टर की, हर एक हमारी स्टोरीज़ में इतने ट्विस्ट होते हैं, इतनी लंबी जर्नी है, कैरेक्टर की जर्नी है, कहाँ से शुरू हुआ था, अभी कैसा है। सो वो करते करते इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि एक्चुअली पता नहीं चला कि इतना वक्त हो गया और 173 एपिसोड्स निकल चुके हैं। और आपकी इमली जो है लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है, विद इन अ ईयर टॉप 3 में आप हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? इट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। मुझे पता चला कि टॉप 3 में, मुझे ऐसे बिलीव नहीं हुआ था, पर मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग इतना देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं हर एक कैरेक्टर को, हमारे शो को। सो आई थिंक कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या कहना चाहोगे आप, ऐसे इमली के कौन से फैक्टर्स हैं जो दर्शकों को इमली की तरफ खींचते हैं, उनको बांध के रखते हैं? मेरे हिसाब से हमारा शो बहुत ही ऑर्गेनिक है। इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो रियल लाइफ में नहीं होता या ये ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी केमिस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारा जो लव ट्रायंगल है मेरा, आदित्य और मालिनी का, तो वो बहुत रियल है। जिस तरीके से हमने वो पोर्ट्रे किया है, जिस तरीके से हमने वो दिखाया है, वो बहुत रियल है। सो वो लोग उससे रिलेट तो नहीं कर सकते, पर कनेक्ट कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि वो रियल है। वो इतना ज़्यादा ऑर्गेनिकली हम लोग शूट करते हैं कि इतना रियल लगता है। तो आई फील एक हमारी केमिस्ट्री सबको बहुत पसंद है, हम तीनों की ही साथ में, मेरी और आदित्य की केमिस्ट्री बहुत पसंद है, और वही इतना ऑर्गेनिक शो है तो लोगों को वही चीज़ आई गेस पसंद आती है सबसे ज़्यादा। ओके इमली, जैसा कि पिछले कुछ सालों में टीवी सीरियल्स जो हैं अब OTT प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, पहले के टीवी सीरियल्स काफ़ी लंबे होते थे, 5 साल, 4 साल, मतलब कई कई साल तक। जैसे पिछले कुछ सीरियल्स एग्जांपल में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो हज़ार हज़ार एपिसोड इन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो अभी जो है वेब सीरीज़ में 10-12 मैक्सिमम 20 सीरीज़ होती हैं, तो आपको इस चेंजेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये चेंजेस तो आई गेस क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म और TV सीरियल्स और फिल्म्स, ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी जगह इसने ले ली, इसकी जगह इसने ले ली, क्योंकि आप कुछ भी करोगे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि TV सीरियल्स रुक जाएंगे या फिर सिर्फ TV सीरियल, मतलब या फिर सिर्फ वेब सीरीज़ आएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो बदलाव कुछ नहीं हुआ है, बस OTT ऐड हो गया है और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि यूथ जो है, उनको तो OTT मतलब सबको बहुत पसंद है, इवन मुझे भी बहुत पसंद है देखना। तो आई फील उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो एक नया एडिशन है और वो हम लोग उसमें ढलना शुरू हुए हैं अभी। कहीं ना कहीं ये कन्वीनियंट भी है, आप कहीं पे भी देख सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि TV में भी बिकॉज पूरी फैमिली देख रही है, एंड फैमिली शोज़ का भी ये होता है कि हमारे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, SNP इशूज़ होते हैं, तो हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते जो कि वेब सीरीज़ में नहीं होती हैं। वेब सीरीज़ में हम चीज़ें और रियल दिखा सकते हैं, बिकॉज सीरियल हर एक इंसान की फैंटेसी है। जितना भी लोग देखते हैं कि गाने बज रहे हैं, हीरो हीरोइन के ऐसे दुपट्टा उड़ रहा है, वो सब सबकी फैंटेसीज हैं कि हमें लाइफ में ऐसा करना है, इसलिए उन्हें पसंद आता है। और वेब सीरीज़ एकदम रियल जाती है, तो वो लोगों को लगता है कि यार ये लोग सच्ची में उसे जी रहे हैं। तो ये दोनों हम लोग ऐसे कर नहीं सकते कि बदलाव हुआ है, वो एक नया एडिशन है जिसमें सब लोग अभी ढल रहे हैं आई फील। तो स्क्रीन की इमली और रियल लाइफ की इमली में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सिमिलर हैं, या जो रियल लाइफ की इमली है वो स्क्रीन की इमली से बिल्कुल ही डिफरेंट है? इमली और सुम्बुल में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। एक तो यही कि इमली बहुत मस्ती करती है और बहुत बातें करती है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं और उसको रियलाइज़ भी नहीं होता कि उसने गलती करी। तो मेरे साथ रोज़ सेट पे ऐसा होता है कि मैं कुछ करके निकल जाती हूँ और बाद में मुझे कोई बताता है कि तुमने ऐसा किया था, मुझे लगता है ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा मेरे साथ होता है। उसके अलावा कुछ जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो ये है, इमली पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने स्टेट में टॉप किया है, मैंने स्टेट में टॉप नहीं किया है पर मैं ठीक हूँ पढ़ाई में, ऐसा ही है बस। तो मतलब इमली जो है रियल लाइफ में भी काफ़ी खट्टी मीठी है
बोल सकते हैं। ओके, और ये आप हैदराबाद में रामू जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा तो, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ रामू जी फिल्म सिटी, और मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक्चुअली शर्म आनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता था रामू जी फिल्म सिटी क्या है। मैं बहुत शर्मिंदा उस बात के लिए, आई एम सो सॉरी। एंड यहाँ पे आने के बाद जब मैंने लोकेशन देखी तो मैंने बोला कि वाओ, ये मतलब ऐसे बस हमें छोड़ दो, हम भाग जाएंगे। ऐसी जगह है, इतनी खूबसूरत, इतनी वेल मेंटेन्ड, और इतना मतलब कैसे किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कैसे कर लेते इतना ज़्यादा मेंटेन, इतनी बड़ी जगह है। मैं एकदम, मैं आज तक मैं ऐसी बैठी हुई हूँ कि कैसे, मुझे अभी भी जानना है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, हर चीज़ को लेके, सेट इतना प्यारा है, लोकेशन इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे घूमने के लिए भी अगर हम लोग वॉक्स पे जा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगह है, यहाँ के सनसेट, यहाँ पे तारे नज़र आते हैं जो कि आपको मुंबई में कभी नहीं दिखेंगे। तो ऐसे रात को आप ऐसे लेट के तारे देख सकते हो, तो वो सब चीज़ें बहुत पसंद आई मुझे। ओके, आपने पूरा फिल्म सिटी घूमा? पूरा नहीं बोल सकते, पर हाँ जितना मुझसे पैदल पैदल हो पाया उतना मैंने घूम लिया। आपका कोई फेवरेट स्पॉट यहाँ पे शूट लोकेशन? मुझे हवा महल बहुत पसंद आया। मैं हवा महल उसके बाद भी कई बार गई, और ऐसी शाम को सनसेट देखते देखते वहीं पे लेट जाती हूँ, ऊपर जो हवा महल के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके ऊपर जाके मैं लेट जाती हूँ, और ऐसे ऐसे तारे, चिड़िया सब देखती रहती हूँ। मैंने वहाँ पे मोर भी देखा था एक बार। ओह वाओ, सो ड्रीमी। ओके इमली, तो जैसा आपने कहा कि आप इससे पहले कभी रामू जी फिल्म सिटी नहीं आए थे, और आपको आने के बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा फिल्म सिटी है? नो डाउट, नो डाउट। मेरा तो ऐसा है, अब मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे, मैंने पहली बार अकेले ट्रैवल किया होगा, मतलब हाँ टीम के साथ बट विदाउट फैमिली, तो मेरा अभी यही है, मैं भी मुंबई जाऊँगी, और जैसे ही मुझे बीच में कभी ऑफ मिलेगा तो मैं अपने पूरे परिवार को लेके, जब एकदम लॉकडाउन वगैरह सब चला जाएगा तब मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके आऊँगी घूमने के लिए, और तब मैं आराम से घूमूंगी। मैं चाहती हूँ वो लोग भी आएँ और ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करें ये जगह को। इनफैक्ट इतने पुराने पुराने सेट, बाहुबली का सेट ऐसे देख के लगता है ओ वाओ, ये फीलिंग आपको इतनी ज़्यादा अंदर से जो खुशी मिलती है ना, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग एंड दिस इज़ वॉट आई लव अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट सिनेमा। वो जिस तरीके से सेट को दिखाते हैं, बाहुबली का सेट ऐसे आप देखोगे तो आपको नहीं लगता उतना कि हाँ बहुत बड़ा बनाया हुआ है, बट आप फिल्म में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे शूट किया, इतना खूबसूरत कैसे दिख रहा है। सो आई वॉन्ट माई यंगर सिस्टर टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स, बिकॉज इवन शी लव्स एक्टिंग। माई फादर, ही विल बी लाइक क्रेजी यहाँ पे आने के बाद, वो ऐसे हो जाएंगे कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। सो आई वंस वॉन्ट टू विजिट विद देम हियर। तो ये थी हमारे साथ टीवी सीरियल इमली की लीड एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर खान, कैमरा पर्सन बाला सुंदरम के साथ गरिमा शर्मा, ईटीवी भारत।